गुनहगार का कोई मजहब नहीं होता, अबू आसिम आजमी। साथियों, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर देश में लोगों को भड़काते हैं, धार्मिक नुआ फैलाते हैं। अगर चाहे उरण के अंदर एक महिला के साथ दुकर्म हुआ और उसकी हत्या हुई, तो उसमें आरोपी मुस्लिम है, तो आपने लव जिहाद का नाम लेकर कुछ लोगों ने और मुसलमानों का नाम लेकर कुछ लोगों ने उछलना शुरू कर दिया कि मुसलमान है। लेकिन उनसे पूछना चाहता हूँ कि दूसरी तरफ सील फाटा में एक पुजारी ने एक महिला के साथ कुकर्म किया और वहाँ हत्या की गई, तो वो कौन सा है, क्या है वो, उसमें कौन आरोपी है? देखिए, धर्म के नाम पर इन चीज़ों को लाना मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ देश में लोगों को आपस में लड़ाना है और एक धर्म के खिलाफ नफरत पैदा करना है। इसी तरह रायगढ़ में महिला के साथ कुकर्म हुआ, उसकी हत्या की गई, करने वाला व्यक्ति मुस्लिम था तो उसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया और लव जिहाद का नाम दिया गया। दूसरी तरफ शिलफाटा के मंदिर में हिंदू बेटे के साथ पुजारियों द्वारा कुकर्म किया गया, उसकी हत्या की गई, अब धर्म दिखाई नहीं दिया। घिनौने अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ये हमारी मांग है, लेकिन अपराध को लेकर सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? उसी तरह मुंबई की धारावी में अरविंद वैश्य नाम के युवक की हत्या हुई, विश्व हिंदू परिषद और सोशल मीडिया के असामाजिक तत्वों द्वारा इस हत्या को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई की और दो लोगों को गिरफ्तार भी किया। त्यौहार शुरू होने जा रहे हैं, साथ ही चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अपराध पर कड़ी पकड़ रखनी चाहिए और समाज में अपराध को धार्मिक रंग देकर कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर भी नजर रखनी चाहिए। मेरी मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस एवं श्री अजीत पवार जी से मांग है कि राजनीतिक फायदे के लिए अपराध को धार्मिक रंग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, साथ ही राज्य और खासकर मुंबई शहर में पुलिस को अपराध पर सख्त नजर रखने के निर्देश दें। साथियों, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर देश में लोगों को भड़काते हैं, धार्मिक नुआ फैलाते हैं। अगर चाहे उरण के अंदर एक महिला के साथ दुकर्म हुआ और उसकी हत्या हुई, तो उसमें आरोपी मुस्लिम है, तो आपने लव जिहाद का नाम लेकर कुछ लोगों ने और मुसलमानों का नाम लेकर कुछ लोगों ने उछलना शुरू कर दिया कि मुसलमान है। लेकिन उनसे पूछना चाहता हूँ कि दूसरी तरफ सील फाटा में एक पुजारी ने एक महिला के साथ कुकर्म किया और वहाँ हत्या की गई, तो वो कौन सा है, क्या है वो, उसमें कौन आरोपी है? देखिए, धर्म के नाम पर इन चीज़ों को लाना मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ देश में लोगों को आपस में लड़ाना है और एक धर्म के खिलाफ नफरत पैदा करना है। इसी तरह आप धारावी में एक अरविंद वैश्य नाम के युवक की हत्या हुई है और उसको भी हिंदू मुस्लिम देने का रंग दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का भी हो, उसके साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए ऐसे कामों में, बगैर ये देखे हुए कौन व्यक्ति किस धर्म का है। मैं समझता हूँ अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ ऐसे लोग जो इन चीज़ों पे धर्म को ला करके धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ अलगाववाद एक नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग भी किसी भी तरह क्राइम में हैं, उनके साथ बगैर धर्म देखे हुए सख्ती के साथ उनके साथ जो है कार्रवाई करना चाहिए।